शादी क्या? नहीं नहीं शादी नहीं, कुछ और है। और पत्थरों के डिजाइन भी बहुत खूबसूरत था। سلام ठीक ठाक माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है जी। बस आशिक ऊपर जा रहे हैं, जहाँ पर एक बार महबूब गुजर गए उधर से गुजरना चाहते हैं। आइए बिस्मिल्लाह। आना करीबन पहुंच गए। अल्लाह यहां से मीना भी नजर आ रहा है। इधर ये देखें, ऊपर जाके दिखाता हूँ जरा। ये मस्जिद हरम है, इसके पीछे मीनार नहीं नज़र आ रहे, अभी एक नज़र आ रहा है बस, बाकी वो दो जो बड़े बनने वाले हैं वो नई बिल्डिंग है मस्जिद हरम की। यहाँ से हाजी निकलते हैं हज के लिए तो मीना जाते हैं पहले। ये तकरीबन ये मीना है, जमरात शैतानों के पास ये ट्रेन का पुल है, फ्लाईओवर। ये शैतान जो खैमे से नज़र आ रहे हैं ना, ये फोर्थ फ्लोर है शैतान का, जो जहाँ पर कंकरियाँ मारते हैं उसे जमरात भी कहते हैं इसे। यहाँ से आगे उसके सामने
ज़रा सा आगे निकल के ये सारी खैमा बस्ती है मीना की। ये जो फेस फेस से आ रही है ना नज़र सब, ये वाला ये मीना है। मीना से आगे यही रोड जो जाता है इसको, ये वाला रोड, ये जो पहाड़ है इनके पीछे जाके रफात आ जाता है इधर इस तरफ ही, लेकिन ये पहाड़ आने की वजह से रफात नज़र नहीं आ रहा, इसलिए इधर मीना ही नज़र आ रहा है। अभी मीना से तकरीबन 6 किलोमीटर मुजलफा से मीना से तकरीबन 10 किलोमीटर है अरफात, और मीना जो है ये भी तकरीबन मस्जिद हरम से 5-6 किलोमीटर है। इधर से ये नज़र भी आ रही है, देखें ये मीना है, मीना के बाद ये मस्जिद हरम के लिए ये ज़मज़म टावर, ये बाकी सारा शहर है। पूरी आबादी नहीं है, बीच में जहाँ जहाँ पहाड़ आ जाते उधर आबादी नहीं है, जिधर जिधर से पहाड़ की जगह नहीं है उधर आबादी बन गई। वैसे जो हरम के करीब करीब है पहाड़ उनके ऊपर भी आबादी है, बहुत बहुत ऊंचे पहाड़ हैं। वैसे जो ये पहाड़ है ना जो करीब करीब है मस्जिद हरम के, उनमें 1100 और ज़्यादा बुलंद पहाड़ है। ये लोग जो सीढ़ियाँ बनाते हैं ना उनको ऐसे एक एक दो दो रियाल कोई 10 रियाल जितना तौफीक हो उनके वो सीढ़ियाँ बनाने वाले को दे देते हैं। अफगानिस्तान ये पहुंच गए जी, तकरीबन हमें लग गए हैं 30 मिनट पहले थे ये 17, ये तो 50 मिनट ही लग गए। हम तो बहुत तेज़ी से हैं, अगर स्टे करके आते या आराम आराम से आते तो 1 घंटे से ज़्यादा लग जाता है। ये ऊपर दुकानें बनी हुई है। यार ये बाहर निकलने का रास्ता है, इस पर 1650 मीटर लिखा है। मेरा आँख दुखे, मेरा कुछ देखो, मेरा आँख दुखा है। ये बाहर निकलने का रास्ता है, अंदर बैठे हैं जी। ये मेरे ख्याल में बाद में बनाया गया, ये इधर से नज़र भी आ रहा है कट लगे हैं, पहले एक ही अंदर दाखिल होने का रास्ता ही था, ये बाहर होने निकलने का रास्ता बना दिया ताकि हाजी अंदर जाएं और एक तरफ से जाएं दूसरी तरफ से बाहर निकलें। इधर है, इधर है हाजी, ये क्लीन बिशन नमाज़ पढ़ने के लिए, वैसे लोग अंदर भी नमाज़ पढ़ते हैं। ये है ऊपर गार के पत्थर, पत्थरों नीचे छोटे छोटे पत्थर हैं, चट्टान सी है, ऊपर एक बड़ा पत्थर है, ये नज़र भी आ रहा है। ये अंदर हाजी हैं, बिल्लियाँ
बिल्लियां भी इतनी ऊपर हैं, देखें 1, 2, 3, 4, एक और नीचे 5 थी। वो न पता नहीं ना चल रहा। अब देखो ये हज नमाज पढ़ रहे हैं, ये देखें ये उल्टी साइड पर मस्जिद की इधर है, मस्जिद वो सामने है इधर, इसलिए कुरान मजीद में आज भी है ए ईमान वालों जब भी नमाज के लिए खड़े हो अपना मुंह किबला की तरफ कर लो और इसी चीज़ का ख्याल